Hello friends, I hope all your papers are going really well. So, for old core CA final students, it's time of paper number 6, that is ISKA. ISKA? क्या वो सच में किसी का है? हाँ जी, वो हो सकता है और वो आपका हो सकता है. अगर आप ये मेरी बताई हुई टिप्स फॉलो करें, मैं हूँ प्रियंका पुरोहित और मैंने सिक्योर की है एग्जम्पशन इन ISKA. And I owe my success of group 2 to ISKA. So the first tip from my side would be to stick to the ICA material itself for preparing for ISKA. So the next tip would be, since you are sticking to the ICA material only, try to remember and revise the ICA language only, that is like keywords and phrases. ओके हम सारी चीजें तो रटाफाई नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, चाहे फिर वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो. इसीलिए हमें इनके कीवर्ड्स को सिर्फ याद रखना है और आप इतनी बार रिपीट करेंगे कि वो अपने आप ही याद हो जाएंगे. तीसरा स्टेप आता है, तीसरा और इम्पोर्टेंट टिप आती है कि आपको जहां पे भी आईसीआई के डायग्राम्स मिलते हैं, कोई चार्ट फॉर्म मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो आप अपने पेपर में भी इनकॉर्पोरेट करिए. उससे आपको जो एनालाइजर है, जो एग्जामिनर है, उसके आसानी होगी आपके पेपर को चेक करने के लिए, और वो डायग्राम को देखते ही वो समझ जाएगा कि आपने अंदर का कंटेंट कैसा लिखा होगा, इसलिए वो आपको मार्क्स दे देगा. और मेरी तरफ से आपके लिए फोर्थ टिप होगी कि आप इसे भी लॉजिकली समझिए. आपको अगर लगता है कि इसका को लॉजिकली समझा नहीं जा सकता, तो ये आपका मिथ है, आप गलत हैं इस बारे में. क्योंकि इसका में भी आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कंसेप्ट्स को, जैसा कि हम ऑडिट में करते हैं. जैसे हम ऑडिट में क्या करते हैं कि हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, उसे कम करना होता है, उसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं. सेम ये कि ये बातें आप अपने चैप्टर 1 ऑफ इसका में भी देखेंगे. इसीलिए आपको सब्जेक्ट को कोरिलेट करना है, उसे अपने लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. आपको इसका अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा. और लास्ट मेरी टिप होगी सब्जेक्ट के लिए कि आप इस सब्जेक्ट को अपना ही माने, कि आप इस सब्जेक्ट से प्यार करें, इसे नफरत ना दें, इसे बैड वाइब्स ना भेजें, इसे पॉजिटिव वाइब्स ही भेजें, ताकि ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सके. दिस इज नॉट एन इन्फीरियर सब्जेक्ट, ठीक है? इसके भी 100 नंबर आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी 100 नंबर आ रहे हैं, और ये आपको स्कोरिंग देगा क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स और फ्रेजेस वगैरह मेंशन करने होते हैं, और इससे आपको फुल मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, 4 out of 4, 5 out of 5. इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी अपना 100% दें और अपना बेस्ट दे कराएं. ऑल द बेस्ट. अब की बार इसका हमारा होगा.